उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है। अंकल देखें, यही सच है, मेरा नाम जैन है और उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है। ये तो मुझे आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। वो तो मैं आया तब दरवाजा खुला हुआ था और मैं डायरेक्ट अंदर आ गया। क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोच लो कि अगर तुमने इनकार किया तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। उस दिन मैं उम्मीद के लिए नहीं बल्कि रमल के लिए आया था। इसने मुझे मोहरा बनाकर अपनी बहन के खिलाफ इस्तेमाल किया। उम्मीद को फंसाने के लिए रमल ने ये साजिश रची। क्यों रमल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरी बहन हो ना, एक बहन अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब क्या हो रहा है? हमारे बच्चे अपने दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी साजिश, ऐसे हथकंडे, ये सब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सिर्फ रमल की बात करें, उसके दिल में इतनी नफरत है कि उसने कुछ भी नहीं सोचा, उम्मीद पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं आपसे पहले ही कहती थी सर, मत के समझाएं उसे, जो उसके जहन में बोया जा रहा है ना वही काट रहे हैं हम लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उम्मीद का सामना कैसे करूंगा। मेरी बच्ची अपनी बेगुनाही का कहती रही मगर हमने उसकी एक नहीं सुनी। मैं रमल के झूठ पर यकीन करता रहा और उम्मीद की सच्चाई को सुना तक नहीं। इतना बड़ा जुल्म कर दिया मैंने उसे, मेरा भरोसा कैसे उठ गया उस पर से, जबकि मैंने ही उसकी परवरिश की, हर कदम पर सही और गलत का सबक सिखाया, फिर ये गलती कैसे कर बैठ गया? तुम ठीक थी मारा, मुझसे पहले तुम्हें एहसास हो गया था कि उम्मीद बेगुनाह है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। तुम्हें डांटता रहा, उम्मीद से बातचीत बंद कर दी, उस पे चिल्लाया, उसकी एक बात नहीं सुनी, यहां तक कि मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया और वो मेरी फरमा बरदार बच्ची, एक अच्छी औलाद की तरह मेरी हर बात पर हामी भरी उसने। ये मैंने क्या कर दिया मारो, ये मैंने अपनी बच्ची के साथ क्या कर दिया है? सरमत, खुद को कुछ से बाहर मत ठहरे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई भी गलत फैसला लेने से पहले हकीकत सामने आ गई। अगर उम्मीद की शादी हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन सरमत, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपकी बेटी आपकी मुंतजर है, आप जाएं उसके पास, उससे बात करें, मरहम रखें उसके दिल पर। आज अल्लाह ने मेरी बेगुनाही सबके सामने साबित कर दी। मुझे मुझे पता है आपकी आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि माँ बाप की दुआ दुनिया से जाने के बाद भी उनकी औलाद के साथ होती है।